स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक में। इस सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सप्ताह की सुर्खियों पर। नीति आयोग ने जारी किया पहला एसडीजी शहरी भारत सूचकांक, हमारे यूपी के आगरा और मेरठ को मिला है इस इंडेक्स में सबसे खराब स्थान। परिषदी स्कूलों में छात्रों की योग्यता के आकलन के लिए अब परीक्षा के दिन ही आएंगे परिणाम। 27 दिसंबर से गोरखपुर जिले के परिषदी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 3 के बच्चों का प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए शुरू होगा ये पायलट प्रोजेक्ट। मुजफ्फरनगर बना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, मेरठ का भी AQI पहुंचा 337 के पार। 13 से 15 दिसंबर तक काशी दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का होगा लोकार्पण। और मेरठ में कोरोना के 2 नए केसेस से कोरोना को लेकर के अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। दक्षिण अफ्रीका, बोट्सवाना और हांगकांग में कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के भारत सरकार ने 12 देशों से यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग को किया है अनिवार्य। तो आइए सप्ताह के महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से समझते हैं। नीति आयोग ने इस हफ्ते अपना पहला सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG शहरी भारत सूचकांक जारी किया है। सूचकांक में कुल 56 शहरों को शामिल किया गया था। नीति आयोग इन शहरों की रैंकिंग मानक के लिए 1 से 100 अंक तय किए थे। इनमें हिमाचल की राजधानी शिमला को 75.5 अंक, इसके बाद कोयम्बटूर को 73.29 अंक, तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ को 72.36 अंक और कोची को 72.29 अंक मिले हैं और ये सभी शहर टॉप पर रहे हैं। भारत की कोयला राजधानी धनबाद इस सूचकांक में सबसे नीचे है और उसे 52.43 अंक, फिर मेरठ को 54.64 अंक, ईटानगर को 55.29 अंक, गुवाहाटी को 55.79 अंक और पटना को 57.29 अंक मिले हैं। इस रैंकिंग में हमारे यूपी के 6 बड़े शहरों को चुना गया था जिनमें सबसे खराब प्रदर्शन मेरठ और आगरा जैसे शहरों का रहा है। आपको बता दें कि 56 शहरों के सूचकांक में हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ 36वें, कानपुर 38वें, प्रयागराज 42वें, बनारस 46वें, आगरा 49वें और मेरठ 55वें स्थान पर रहा है। हमारे यूपी के 2 शहरों यानी कि आगरा और मेरठ में नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि नीति आयोग ने साल 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुल 50 से अधिक गोल तय किए हैं। इनमें बाल स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, टीकाकरण, इंटरनेट शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, बालिका अपराध, महिला अपराध, मलिन आबादी, ऋण वितरण और स्वास्थ्य योजना जैसे कई और भी गोल इसमें शामिल हैं जिन पर काम होना है। इन्हीं गोल्स को हासिल करने के लिए बड़े शहरों के बीच स्वस्थ स्पर्धा के उद्देश्य से पहली बार SDG UI यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडिया रैंकिंग जारी की गई है। हमारे यूपी के परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की योग्यता के आकलन के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। इस पहल के तहत परीक्षा वाले दिन ही अब बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जिससे प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन में तेजी और आसानी आएगी। आपको बता दें कि सब कुछ एक सरल नाम के मोबाइल ऐप के जरिए संभव होगा। यह ऐप इसी सप्ताह लॉन्च हुआ है। इस ऐप का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होगा कि बच्चों का टेस्ट अब OMR शीट पर लिया जाएगा। टेस्ट के दौरान शिक्षक बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे और इसका जवाब शिक्षक ही OMR शीट में भरेंगे। ये सब कुछ होने के बाद सरल मोबाइल ऐप के जरिए शिक्षक जैसे ही OMR शीट को स्कैन करेंगे पूरा ब्यौरा रिजल्ट के साथ जनपद मुख्यालय पर दिखने लगेगा और एक साथ परिणाम पूरे जिले का घोषित हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोरखपुर जिले के परिषदी स्कूलों में इस ऐप का इस्तेमाल शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा यानी कि स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। शैक्षिक मूल्यांकन परीक्षा सेट में लर्निंग आउटकम के लिए विद्यार्थियों से निर्धारित प्रेरणा सूची पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा के जरिए प्रेरणा लक्ष्य के आधार पर बच्चों की भाषा और गणित विषय को लेकर उनका आकलन किया जाएगा। इसी आधार पर जिले के हर बच्चे का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ये जानकारी मिलेगी कि किस कक्षा के किस विषय में बच्चे का कौन सा पक्ष कमजोर है यानी वो बोलने, लिखने या फिर समझने तीनों में किस में ज्यादा कमजोर है और आगे इसी आधार पर बच्चों के कमजोर पक्ष को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल एक्सपेरिमेंट कोरोना काल के दौरान बच्चों की जो विद्यालयों से दूरी बनी है और उसके कारण पढ़ाई पर जो असर पड़ा है इसके चलते किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का इन दिनों बुरा हाल है। 429 AQI के साथ दिल्ली जहां देश की सबसे अधिक प्रदूषित जगह बनी हुई है, तो वहीं हमारे यूपी के मुजफ्फरनगर का भी हाल काफी बुरा है।
इस हफ्ते 423 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के साथ मुजफ्फरनगर देश का दूसरा और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है। ये हमारे यूपी के कुछ उन शहरों की लिस्ट है जहां की हवा इन दिनों काफी खराब है। इन्हें आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इनमें नंबर वन पर है मुजफ्फरनगर जहां का AQI 423, दूसरे नंबर पर मेरठ जहां का AQI 373, इसके बाद नोएडा 394 AQI, हापुड़ 388 AQI, ग्रेटर नोएडा 386 AQI, गाजियाबाद 378 AQI, बुलंदशहर 363 AQI और इसके बाद बागपत 356 AQI के साथ हमारे यूपी के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण में इंसान और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। भारत में PM2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर का बढ़ता स्तर वायु प्रदूषण के लिहाज से सबसे गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM2.5 की सुरक्षित सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब निर्धारित की गई है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में यह स्तर अक्सर ही 200 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के करीब बना रहता है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बताएं तो पर्टिकुलेट मैटर को अभिकणी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यह हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत ही छोटे कण होते हैं जिनकी मौजूदगी ठोस या फिर तरल अवस्था में हो सकती है। पर्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं जो कि अति सूक्ष्म होने के कारण सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई जानलेवा बीमारियों का कारण भी बनते हैं। देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 21 हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा की बात की गई है। ऐसे में देश भर में फैले इस प्रदूषण की समस्या के लिए अक्सर ही बहस होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 दिसंबर तक काशी के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें देश भर के महापौर के साथ उनका संबोधन, शहनशाहपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निरीक्षण और सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण। लंबे समय से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अगर आप कभी बनारस गए हो तो आपने ये महसूस किया होगा कि काशी विश्वनाथ के दर्शन में काफी समय और संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। गंगा के घाटों से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी और वहां तक जाने का रास्ता भी कई बार काफी समस्या पैदा करता था। ऐसे में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सहूलियत के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वाराणसी को कल्चरल हब ऑफ इंडिया बनाने के प्रयास में लगी हुई है और इसी दिशा में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण की परियोजना का लोकार्पण काफी अहम कदम माना जा रहा है। पहले चरण के लोकार्पण के बाद मंदिर परिसर के साथ ही मुमुक्षु भवन, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, गंगा व्यू गैलरी, भोगशाला, फूड कोर्ट सेंटर, सुरक्षा केंद्र और मंदिर चौक सहित 19 भवन यात्री सुविधाओं के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि गंगा से जल लेकर सीधे बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए अभी भक्तों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि दूसरे चरण में जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर और सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है और ये मार्च तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। और देश भर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के अलर्ट तेज हो गया है। यूपी में भी कोरोना की थर्ड वेव को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मेरठ में एक दिन में कोरोना के 2 नए केस मिलने से चिंता और बढ़ गई है। दरअसल वेस्ट यूपी में इस सप्ताह कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। इन दोनों मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है और इन दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। दरअसल इन दिनों दक्षिण अफ्रीका, बोट्सवाना और हांगकांग में कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आया है। इसे वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस जानलेवा वेरिएंट को रोकने के लिए भारत सरकार ने 12 देशों से यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, इसराइल, हांगकांग और ब्रिटेन सहित यूरोप के कई और देश भी इसमें शामिल हैं। इन सभी यात्रियों को भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं से पहले स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा था कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 3 देशों में कोरोना वेरिएंट B.1.1 के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सजग रहने की काफी जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कोरोना के इस
नए वेरिएंट को लेकर के बैठक की है। इसमें दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाए गए एक नए कोविड 19 संस्करण यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर के चिंताएं जाहिर की गई हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी मास्क जरूर लगाएं, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और इस चुनौती से निपटने के लिए देश का सहयोग करें। आपको हमारी इस हफ्ते की खबरें कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।